हाय एवरीवन, दिस इज फैंसी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज बहुत दिनों के बाद मैं शूट कर रही हूँ, 3 हफ्ता हो चुका है। वही सेम रीजन है कि मतलब मेरा ऑफिस का प्रेशर है। और एक गुड न्यूज है, अब पता नहीं मेरे लिए गुड न्यूज है ना बैड न्यूज है। एक्चुअली आई गॉट प्रमोशन, सो उसके वजह से मेरा प्रेशर और भी बढ़ गया है। तो आगे जाके ये चैनल मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो एनीवे आज का वीडियो तो कर लेते हैं। तो आज का वीडियो है अगेन एक अमेज़न हॉल वीडियो। तो मुझे जो मतलब घर के लिए मुझे जो चाहिए था तो उस हिसाब से मैंने परचेस किए। तो ये सारा सब कुछ जो मैं दिखाऊंगी, तो जो मैंने परचेस किए सब मिक्स्ड है। तो मतलब कुछ एसेंशियल है और कुछ मुझे चाहिए था डेकोर के लिए, तो इसलिए मैंने परचेस किए। तो चलिए विदाउट अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मेरा फर्स्ट जो परचेस है वो है बहुत मतलब काम की चीज है। मैंने रिव्यू मैंने देखा, फिर उसके बाद ही मैंने परचेस किए। ये है एक 3 टायर या 2 टायर रैक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप रख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये आप किचन में आप प्लेस कीजिए, या तो आप किचन के बाहर भी आप प्लेस कर सकते हैं। ये मतलब हैंग करने का ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये आप कैबिनेट में रखेंगे, एक कॉर्नर में रखेंगे, तो ये आपका मतलब जो प्लेस जो है तो वो मतलब वर्टिकली आप यूज कर पाएंगे। तो आपका मतलब ये स्पेस सेविंग है। तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं और इसके नीचे भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ और ये बहुत स्टार्डी है। ये स्टील में है, बहुत ही स्टार्डी है, देखिए बहुत हेवी है। तो मतलब मेरा जो लावपला का जो सेट है तो वो मैं इसके ऊपर रखती हूँ, तो फिर भी कुछ नहीं होता है। तो ये मेरा बहुत दिन हो गया है, मतलब 10-15 दिन से मैं यूज कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और ये देखिए इसका डायमेंशन जो है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब मेरा जो डिनर वाला जो प्लेट है तो वो इसमें आ जाता है। तो और प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। हर एक का प्राइस मैं यहाँ पे मैं देती जाऊंगी स्क्रीनशॉट, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, और वहां से जाके आप लोग डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट जो परचेज है वो है एक सिंगल बेडशीट मैंने और परचेस किए थे। तो एक्चुअली मैंने टाइप किए थे कॉटन बेडशीट, लेकिन देखिए मतलब जो पिक्चर में था वही वाला आया है। तो सेम टू सेम मुझे रिसीव हुआ है। तो इसका लुक मतलब कैमरा में जब देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे पट्टी दिया हुआ है, तो इसको देख के और मुझे ये बेज कलर मुझे चाहिए था। इसमें देखिए सेल्फ डिजाइन है, तो ये मुझे चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको लिए। लेकिन मैंने मैं एक्चुअली ऑफिस के वजह से हर एक प्रोडक्ट जब भी मैं ऑफिस से मैं आती हूँ और मुझे रिसीव होता है तो मैं उसको खोल के नहीं देखती हूँ। तो ये मतलब एक्चुअली रिटर्न करने का मुझे मन था, क्योंकि मतलब ये देखिए आपका फिनिशिंग वगैरह, इसका जो लेंथ है, जो विड्थ जो है, वो सारा सब कुछ ठीक है। इसका डिजाइन पट्टी वगैरह, इसका स्टिचिंग जो भी है बहुत स्टार्डी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वन स्टिच है और वो खुल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब इसका जो क्वालिटी है, मैंने कॉटन बेडशीट मैंने मतलब टाइप किए थे, तो देखिए ये पूरा मतलब सिल्क टाइप का आया है। तो बिस्तर पे मतलब बेड पे जब हम इसको बिछाते हैं, एक हालांकि एक ही दिन मैंने बिछाए थे, तो मतलब वो ऐसा मतलब नीट एंड क्लीन नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने खोल के रख दिए। तो दूर से देखिए, देखने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कपड़े का क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल ये कॉटन नहीं है, ये सिल्क टाइप का है। तो मेरे लिए तो ये है, तो इसको बिल्कुल भी आप परचेस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे लिखा होता है कि ये कॉटन बेडशीट है प्योर, क्या लिखा था, 210 मतलब थ्रेड काउंट था। तो फिर भी मतलब ऐसा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है,
तो बहुत दिनों के बाद मैंने पैकेजिंग खोल के मैंने देखा, तो इसलिए मुझे मतलब मैंने रिटर्न नहीं मैं कर पाई क्योंकि वो ऑप्शन ही मुझे मेरे पास नहीं था। तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट जो परचेज है वो है एक माइक्रोवेव कवर। तो वो भी मैंने एक्चुअली मैंने कॉटन का मैंने लिखे थे, मतलब जब मैंने टाइप किए तो ऑर्डर जब प्रेस कर रहे थे तो मैंने कॉटन का ही लिखे थे, लेकिन ये कॉटन नहीं है। फिर भी ये तो चल जाता है। और देखिए इसका मतलब ये पूरा सी थ्रू टाइप का है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए था। और हम इमेज में यहाँ पे डाल देंगे कि मतलब इमेज में कैसा दिखा रहा था, कि ये वाला जो येलो है बहुत डार्क येलो है, लेकिन इमेज में बहुत ब्राइट टाइप का येलो था, तो इसलिए वो देख के मैंने ऑर्डर किए थे। लेकिन आने के बाद देखा कि बहुत डल है और कपड़े का जो क्वालिटी है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्टिचिंग वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये भी मैं रिटर्न नहीं कर पाई क्योंकि ये भी मेरा बहुत दिन हो चुका था। और दोनों साइड से देखिए ये ऐसा लेस दिया हुआ है और यहाँ पे मतलब 3 पॉकेट्स है, ऐसे 2 पॉकेट्स है, सॉरी 2 पॉकेट्स है। तो यहाँ पे आप निक नैक चीजें रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी सेम ही है, 2 पॉकेट्स दिया हुआ है और लेस है। मतलब फिनिशिंग तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं दूर से, ऐसा है। तो ये मेरा चला जाएगा इसलिए मैंने इसको रख दिए, तो इसको रिटर्न नहीं किए। लेकिन इसका क्वालिटी से मैं बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो एनीवे प्राइस भी कम है, तो इस प्राइस में क्या मिलता है, तो इसलिए मैंने इसको रख दिए। और कलर भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये वो वाला येलो नहीं है जो मैंने ऑर्डर किए थे। सो मेरा नेक्स्ट जो परचेज है वो है बहुत काम की चीज़ है, मैं सफ़र करती हूँ, मैं नहीं एक्चुअली मेरा जो मेड जो है तो वो बहुत सफ़र करती है, क्योंकि ये माइक्रोवेव लीड्स है, माइक्रोवेव लीड्स नहीं मतलब माइक्रोवेव में जो खाना वगैरह हम लोग जो गर्म करते हैं तो उसका लीड्स है। तो ये देखिए ये प्लास्टिक का है, लेकिन बहुत अच्छा वाला प्लास्टिक है। और ये है आपका क्या प्राइम कंपनी का है, और ये ये तो माइक्रोवेव प्रूफ है, ये तो आप लोगों को पता चल ही रहा है क्योंकि ये माइक्रोवेव में ही डाला जाएगा। तो ये है आपका ये ढक्कन ऐसे, और यहाँ पे देखिए ये हैंडल दिया हुआ है, और यहाँ पे एक होल है, मतलब जो स्टीम जो निकलेगा तो वो यहाँ से निकलेगा, लेकिन जो खाना वगैरह जो ग्रेवी टाइप का जो हम लोग जो देते हैं ना तो वो छिड़क जाते हैं, तो इससे अगर ढक देंगे तो वो मतलब आपका माइक्रोवेव गंदा नहीं होगा। तो मेरा तो हो जाता है, तो ये दोनों साइज का मुझे रिसीव हुआ है, एक ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। बड़ा वाला मतलब है कि आपका डिनर प्लेट ऐसा अगर होता है तो आप इससे आप ढक सकते हैं, और छोटा वाला में आपका बाउल या तो छोटा प्लेट वगैरह आप इससे मतलब कवर कर सकते हैं, तो आपका माइक्रोवेव गंदा नहीं होगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छा है, और प्लास्टिक का है, इसके साथ तो कुछ रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें तो गर्म नहीं होगा। तो आप लोग बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं, और बहुत हेवी वेट का है, मतलब प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और बहुत रिजनेबल प्राइस में मुझे एक प्यार में मुझे मिला। सो मेरा नेक्स्ट जो परचेज है वो है ये भी मतलब किचन रिलेटेड है, तो ये आज मुझे रिसीव हुआ है, तो आज है संडे तो इसलिए मैंने अभी तक मैंने खोले नहीं, अभी आप लोगों के सामने मैं अनबॉक्सिंग मैं कर रही हूँ। और ये भी बहुत काम का चीज़ है, ऐसे पैकेजिंग में आया है, वाव बहुत स्वीट है, लेकिन ये क्या है, ये प्लास्टिक के अंदर देखिए और एक है, ये पता नहीं, अच्छा मतलब ये खोल चुका है, ये ऐसे था। इस बार जो भी प्रोडक्ट मैं परचेस कर रही हूँ ना मतलब बहुत गलत जा रहा है। ये देखिए वैसे तो ये बहुत स्टार्डी है, और देखने में देखिए ये एक साइकिल जैसा है,
ये है एक्चुअली टिश्यू बॉक्स है, टिश्यू होल्डर, सॉरी टिश्यू होल्डर है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्लावर दिया हुआ है चक्का जैसा, तो इस तरफ का जो है ये खोल चुका है। तो आप देखते हैं कि इसको लगा पाएंगे, फिट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फिट करने का ऐसा कुछ नहीं है, फेविकोल किया तो ऐसे कुछ इससे लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसा है और यहाँ पे आपका टिश्यू रहेगा। तो ये बहुत अच्छा यूनिक एक टिश्यू होल्डर है, तो इसलिए मैंने परचेस किए, मुझे ब्लैक वाला मुझे चाहिए था। आप इसको लेके मुझे कुछ मतलब डाउट हो रहा है, मैं क्या करूँगी पता नहीं। तो लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, मैंने बहुत मैंने सर्च किए थे। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे। सो मेरा लास्ट जो परचेज है वो है मेरा फेवरेट, मतलब ऐसे ये भी मैंने आज रिसीव किए, तो अभी तक मैंने खोले नहीं इसको, तो अभी आप लोगों के सामने मैं मतलब इसको ओपन करती हूँ। सो ये है एक्चुअली कुशन कवर, 16x16 इंच का, और मेरे पास एक्चुअली बहुत सारा कुशन कवर है, लेकिन ये मुझे एक्चुअली ये वाला मुझे बहुत वाइब्रेंट लगा, तो इसलिए मैंने इसको परचेस किए। और ये फुल कॉटन का है, ये देखिए इसके साथ पांचों पीस आया है, मतलब 5 सेट है इसमें। तो ये है नंबर 1, नंबर 2 है एकदम प्लेन येलो है, नंबर 3 ये टॉर्कोइज, ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है, नंबर 4 है रेड, ये बहुत वाइब्रेंट रेड है, और नंबर 5 है ये। तो मतलब ये और ये वाला सेम टू सेम है, तो बीच का जो कलर है तो वो थोड़ा सा अलग है। और इसमें देखिए चेन है ऊपर में, मतलब यहाँ पे है, और आप यहाँ से इसको इन कर सकते हैं। तो ये एकदम प्योर कॉटन का है, तो और ये 16x16 का है, कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा है, और स्टिचिंग वगैरह ये सब भी बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, 16x16 नहीं लग रहा है एक्चुअली। फिर भी प्रोडक्ट अच्छा है, अगर कुछ होता है, अगर मेरा माप में नहीं आएगा तो मैं इसको शायद रिटर्न करूंगी, रिटर्न करके यही वाला मुझे परचेस करना है, मुझे लेना है। तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। सो या दैट्स अ रैप इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डिड सो देन प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट व्हेनेवर आई विल अपलोड माई न्यू वीडियोज। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।